हेलो फैमिली, कैसे हो? स्वागत है पोके ट्रेनर के एक नए वीडियो में। तो गाइस, शैडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स, गाइस हमें शैडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स अगर पकड़ना है तो हमें डिफीट करना है जियोवानी को। जियोवानी के पास टीम रॉकेट टेक ओवर इवेंट में हर बार एक नया करके शैडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स आता है। अभी क्वेश्चन एक चीज है सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें लगता है, जियोवानी को डिफीट करने के लिए हमें चाहिए एक ये रेडर जो आप देख रहे हो, इसको हम रॉकेट रेडर बोलते हैं। तो गाइज, ये रॉकेट रेडर आप कैसे गेट कर सकते हो वो वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड गाइज, एक रेडर नहीं, आप मल्टीपल रेडर्स को कैसे गेट कर सकते हो वो भी मैं बताने वाला हूँ। ये ट्रिक्स को या ये मेथड को यूज करके आप एक नहीं, दो से तीन शैडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स को गेट कर पाओगे, जैसे लाइक शैडो म्यूटू, शैडो रैक्वेजा। एंड गाइज, बहुत ही जल्दी आने वाला है शैडो रैक्वेजा। हाँ गाइज, शैडो रैक्वेजा बहुत ही जल्दी आने वाला है और ये पोकेमॉन मुझे तो भाई कैसे भी करके चाहिए। और गाइस, सिर्फ शैडो नहीं, वो शाइनी शैडो भी हो सकता है। ठीक है गाइस, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल में अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसमें प्रेस कर देना इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए पोकेमॉन गो रिलेटेड। एंड गाइस, वीडियो में लाइक जरूर करना, ये वीडियो बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है। ये वीडियो के लिए आपको 300 लाइक जरूर कंप्लीट करना है। और गाइज, डिस्क्रिप्शन में जाओ, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, जाके वहां पर मुझे आप फॉलो भी कर लेना। ठीक है, तो चलो गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, ध्यान से सुन लो, ये जो रॉकेट रेडर ब्लैक में हमें मिलता है ये आप कहीं से परचेस नहीं कर पाओगे। परचेस मींस जैसे हम पोकेमॉन स्टोरेज को अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे, पोके कॉइन से। हम बैक स्टोरेज को भी अपग्रेड कर सकते हैं, स्पेशली ल्यूर मॉड्यूल्स को खरीद सकते हैं, रेड पासेस को खरीद सकते हैं, लेकिन आप टीम रॉकेट रेडर को परचेस नहीं कर पाओगे। एंड गाइज, और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमें नॉर्मल रेडर मिलता है जिससे हम कोई भी जो टीम रॉकेट लीडर है उनको डिफीट कर पाएंगे, तो गाइज बहुत लोगों को लगता है कि टीम रॉकेट लीडर्स को डिफीट करने के बाद हमें रॉकेट रेडर मिलता है, तो गाइज ये भी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको रॉकेट रेडर, मतलब ये ब्लैक में जो रॉकेट रेडर जो हमें मिलता है, अगर आपको चाहिए तो आपको सिंपली शैडो मिशंस को कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ गाइस, जो हमें टीम रॉकेट टेक ओवर इवेंट में जो मिशंस आता है उसे हमें कंप्लीट करना है। एंड कंप्लीट करने के बाद ही सिर्फ यही एक जो वे है जहां से आप रॉकेट रेडर को गेट कर पाओगे। अभी गाइस शुरू होने वाला है मेरा मेथड कि आप कैसे मल्टीपल रॉकेट रेडर को स्टैक, मतलब कलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो चलो मेथड वन। तो गाइज देखो, मेथड वन में स्पेशली आपको एक चीज ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, देखो लेवल 8 अगर आपका पोकेमॉन गो में कंप्लीट हो चुका है तो आपको एक मिशन मिलेगा जो मिशन का नाम होगा ए ट्रबलिंग सिचुएशन। गाइज ये कंप्लीट करने के बाद आपका जो शैडो मिशंस रहता है वो एक्टिव हो जाएगा, मतलब स्पेशल रिसर्च में आप शैडो मिशंस को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो गाइज ये जो आप लिस्ट देख पा रहे हो ये सब शैडो मिशंस है। आपको हर एक शैडो मिशंस को कंप्लीट करना है एंड हर एक मिशन में आपको एक करके शैडो रेडर, मतलब रॉकेट रेडर आपको जरूर मिलेगा। एंड गाइज एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये मिशंस कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि स्पेशल रिसर्च में जितना भी मिशंस होता है वो अपडेट होता रहता है और ये अनलिमिटेड है। अगर आपका सब मिशन कंप्लीट भी हो गया फिर भी नया मिशन आता रहेगा क्योंकि ये मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बस इतना ही। तो गाइस क्या था फर्स्ट मेथड, वो है टीम रॉकेट जो शैडो मिशंस रहता है वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और एक चीज सुन लो, कंप्लीट करना है उससे पहले अगर आपका लेवल 8 अभी तक नहीं हुआ तो उसे जल्दी कंप्लीट करो। एंड एक मिशन आएगा अ ट्रबलिंग सिचुएशन जो मैंने पहले ही बता दिया, उसको आपको जरूर कंप्लीट करना है, उसके बाद ही एक्टिव होगा आपका शैडो मिशन। एंड गाइज और एक चीज बता देता हूँ, जो हमें टीम रॉकेट टेक ओवर इवेंट मिलता है जहां पर भी हमें एक करके रॉकेट रेडर मिलता है वो गाइज हर 3 महीने बाद अपडेट होता है। ठीक है, हर 3 महीने बाद आप नया नया जो लेजेंडरीज शैडो पोकेमॉन है वो आता है टीम रॉकेट टेक ओवर इवेंट से। ठीक है, तो गाइज ये था पहला मेथड। अभी मैं आपको सेकेंड मेथड बताता हूँ, उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो गाइज, पोकेमॉन गो में होता क्या है, अगर आप एक स्पेशल रिसर्च को टोटल कंप्लीट नहीं करोगे तो आपका दूसरा जो मिशन है वो नहीं आएगा, मतलब आपके पोकेमॉन गो में वो अपडेट नहीं होगा। तो आपको ये मेथड में सिंपली क्या करना है, देखो
पहले मेथड में जैसे मैंने आपको बताया था हर एक शैडो मिशंस को कंप्लीट करना है, तो गाइस एक मिशन कंप्लीट करने के बाद आपको एक रैडर मिलता है, लेकिन आपको वो रैडर को यूज करना, क्योंकि गाइस जब आप थर्ड पेज में चले जाते हो तो वहां पर आप अगर ध्यान रखोगे तो थोड़ा एक मिशन आता है जहां पर लिखा हुआ होता है लीडर को डिफीट करने के बाद कि टीम रॉकेट का जो बॉस है जियोवानी को आपको ढूंढना है एंड उसको डिफीट करना है। तो सिंपली आपको अगर वो मिशन को मतलब नेक्स्ट मिशन अगर आपको चाहिए तो सिंपली आपको पहला मिशन को कंप्लीट करना है। अभी आप पूछोगे कि आपने अगर ब्लैक रेडर को कोई इवेंट छोड़ के यूज़ कर दिया तो गाइज आपको ब्लैक रेडर फिर नहीं मिलेगा, मतलब समझ रहे हो, एक मिशन आपको टोटल कंप्लीट करना पड़ेगा दूसरे के लिए। तो आपको अगर मिशन मतलब कोई लेजेंडरी पोकेमोन अगर नहीं भी रहा जियोबानी के पास, फिर भी आपको डिफीट करना पड़ेगा जियोबानी को, क्योंकि आपको चाहिए नेक्स्ट मिशन। तो यहां पर एक मेथड आता है, अभी ध्यान से सुनो, यहां पर एक मेथड आता है। आपको सिंपली क्या करना है, जब भी आप मतलब फर्स्ट मिशन को कंप्लीट करो, आपको ध्यान में रखना है एक मिशन कंप्लीट होने के बाद सिर्फ वन या तो एक जो फर्स्ट जो पेज आता है, मतलब देखो एक मिशन में बहुत सारा पेज रहता है, 1 to 5, 1 to 7 ऐसे रहता है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट पेज को कंप्लीट करना है। अगर फर्स्ट पेज को कंप्लीट करोगे एंड आपका जो पोकेमोन गो का जो लेवल है उसको इंक्रीज करोगे तो नया एक मिशन आ जाएगा। और एक सिचुएशन है, पेज वन अगर आपका कंप्लीट भी हो गया, आपका जो क्लेम आता है ना, हम जो कंप्लीट करने के बाद जो हमें क्लेम में मिलता है जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये क्लेम को आपको क्लिक नहीं करना है, मतलब क्लेम को आपको तभी नहीं लेना है, स्टैक करके रखना है मिशंस को। तो एक मिशन को कंप्लीट करो, पेज वन को कंप्लीट करो, कंप्लीट करने के बाद जब दूसरा एक मिशन आ जाएगा तो उसको भी कंप्लीट करो, एंड दोनों को कंप्लीट करने के बाद आपको देखो दो रेडर जरूर मिल जाएगा, एक में ब्लैक रेडर, दो में रेडर मिल जाएगा, तो आपके पास दो रेडर हो जाएगा, जियोबानी को तब डिफीट करने का कोई जरूरत। तब आपको क्या करना है, जब भी टीम रॉकेट टेकओवर इवेंट आए तो वहां पर देखो पहले आपने दो रेडर को स्टैक किया था, और एक जो नया टीम रॉकेट टेकओवर इवेंट का मिशन मिल रहा है वहां पर भी आपको एक रेडर मिल रहा है। तो मान लो कि अभी बॉस में मतलब जो आएगा लेजेंडरी वहां पर रैक्वेजा है, तो गाइज आपके पास 3 रेडर रहेगा और आप 3 रैक्वेजा को एनकाउंटर कर पाओगे, वो भी शैडो, एंड वहां पर आपको शाइनी भी मिल सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको मिशंस को स्टैकिंग करके रखना है, पेज वन को कंप्लीट करो, कोई भी जो रिवॉर्ड मिलता है उसमें क्लेम मत करो, अपना पोकेमोन गो का लेवल को अपग्रेड करो, नया एक मिशन आ जाएगा वहां पर भी कंप्लीट करो, दोनों को एक साथ कंप्लीट करो, लीडर्स को डिफीट करने के बाद मतलब दोनों मिशन में लीडर्स को डिफीट करने के बाद आपको 2 रेडर मिल जाएगा, जियोवानी को तब डिफीट करने की कोई जरूरत नहीं है, जब टीम रॉकेट टेक ओवर इवेंट आए तब जियोवानी को डिफीट करो, वहां पर आप 3 जियोवानी को टोटल डिफीट कर पाओगे, तो बस हो गया काम और क्या। तो ऐसे आप जो रॉकेट रेडर है इसको आप स्टैक कर सकते हो बहुत ही आसानी से। लेकिन गाइज एक चीज अभी फिर मैं बता देता हूं, ये आप परचेस नहीं कर पाओगे, ठीक है, लीडर्स को डिफीट करने के बाद भी आपको ये नहीं मिलेगा, ये आपको सिंपली मिलेगा जब आप शैडो मिशंस को कंप्लीट करोगे, सिर्फ यही एक वे है जहां से आपको रॉकेट रेडर मिल सकता है। और मेरा जो मेथड आपको मैंने आपको बताया इसको यूज़ करो, आपको बहुत सारा रेडर मिल जाएगा, 3 to 4 रेडर्स को आप कलेक्ट कर सकते हो, एंड जब अच्छा एक लेजेंडरी पोकेमोन आ जाए डिफीट कर दो, 3-4 बार आप डिफीट कर सकते हो एक। चलो यही था आज का वीडियो, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।